क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करके, 3/2C0 -1/C0, करेक्ट, मतलब मिल जाएगा 1/2 × 1/KC0, करेक्ट सर। और सेकेंड ऑर्डर की 5/9 लाइफ क्या होगी, 1/K 1/4/9C0 -1/C0, कितना हो जाएगा ये 5/4/1K C0 विच इज 5/2 × ½ of KC0। So 5/9 life comes out to be 5/2 × 1/3 life. Correct? Yes, sir. So, but this लेकिन आपको पता कैसे चला? A not is equal to B not, right? A not, B not की तो बात ही नहीं लाए अभी हम लोग। हम तो एक जनरल सेकेंड ऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक देखा है। ओके? ओके सर। लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर है वो कैसे पता चला? यार सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन लगाई। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ सेकंड ऑर्डर का है ना? नहीं वो पता है मुझे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लगा। अच्छा हिट एंड ट्रायल किया आपने उसपे? सर पर ये तो ए ए जब एक ही रिएक्टेंट होता था और वो प्रोडक्ट में जाता था तभी टू होती थी ना। और हमें दिख रहा है कि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक दोनों रिएक्शंस में, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में फॉलो हो रहा है, करेक्ट? यस सर। एक ही ऑब्जर्वेशन हमें मिली। ओके ठीक है सर। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर हम एक्सपेरिमेंट वन और एक्सपेरिमेंट टू का डाटा कंपेयर करें, वर्टिकल डाटा, तो हम क्या देख रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन कि सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डबल करने पे, करेक्ट, सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डबल करने पे क्या हो रहा है? टाइम 1/4 हो रहा है, 1/4 हो जा रहा है टाइम, 1/3 लाइफ या 5/9 लाइफ 1/4 हो जा रही है, करेक्ट? यस सर। So what I can say on doubling the concentration of reactants, 1/3 and 5/9 line are becoming 1/4, ठीक है? हाँ सर। या ऐसे लिख लो, आर रिड्यूसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ओके, तो इससे क्या कंक्लूड हो गया कि दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सर वापिस वैसे ही करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ना जैसे अभी किया था? नहीं वैसे क्यों करेंगे, अब तो ये कंसेप्ट लगाएंगे ना कि भाई टी 1/3 ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 अपॉन टी 1/3 ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 is equal to C naught of experiment 1 upon C naught of experiment 2 raised to 1 minus n. So
एक्सपेरिमेंट वन अपॉन एक्सपेरिमेंट टू की वन थर्ड लाइंस में क्या रेशियो है वन बाय फोर का, और कंसंट्रेशन में वन बाय टू का, तो टू रेस टू टू इज इक्वल टू टू रेस टू एन माइनस वन. नहीं सर, पर आपने लेफ्ट साइड को भी रेसिप्रोकेट किया. हाँ सर, वन माइनस एन आएगा. मैंने लेफ्ट साइड को गलत लिखा है इसलिए दिक्कत हो गई. एक्सपेरिमेंट वन में टू में कंसंट्रेशन ज्यादा है ना. यस सर. हाँ सर, फोर बाय वन होगा. फोर बाय वन. वन बाय वन बाय फोर. तो इससे एक इम्पोर्टेंट चीज जो देखी कि हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन से हमें सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन मिल रहा है और वर्टिकल कंपैरिजन से हमें थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन मिल रहा है. कॉन्ट्रडिक्टिंग आंसर्स मिल रहे हैं. और वो मिलने ही थे क्योंकि जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है इस डाटा में, द थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज दैट बी नॉट इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स इज मच ग्रेटर देन ए नॉट. ठीक है. यस सर. इसका मतलब this reaction will show me a pseudo order kinetic. Correct? तो भाई yes, sir. अब ये बात देखो जो इसकी पहली information थी, जो पहला deduction किया था t 5/9th is 5.5 times t 1/3, उससे second order निकाला था. इसमें हम कर क्या रहे थे, एक reaction में अलग अलग टाइम पे कुछ मेजरमेंट कर रहे थे. करेक्ट. यस सर. मैं हमने निकाला कि वन थर्ड रिएक्टेंट कब रिएक्ट कर गया, 5/9th रिएक्टेंट कब रिएक्ट कर गया. तो एक रिएक्शन जो चल रही है उसको अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. करेक्ट. उस ऑब्जर्वेशन से जो ऑर्डर मिलता है दैट इज order with respect to limiting reagent. क्योंकि भाई जब एक reaction चल रही है और तुमने एक reactant को बहुत excess में ले रखा है तो उस reactant की concentration तो constant रहेगी. Correct? Yes, sir. तो वो तो K में include हो जाएगी. तो उस समय जो तुम्हें order दिखेगा वो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट का ऑर्डर दिखेगा. करेक्ट. और इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए. तो ए के रिस्पेक्ट में है एक्स, तो एक्स मिल गया. लेकिन दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में जब हम मोलारिटीज चेंज करते हैं तो हमें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग एज वेल एज एक्सेस रिएजेंट दोनों मिलता है. तो यहां से जो थर्ड ऑर्डर मिला है दैट इज एक्स प्लस वाई. तो अब आंसर आ गए, एक्स कितना आ गया, टू, वाई वन, वन, जेड थ्री. चलती हुई रिएक्शन का क्या ऑर्डर दिखेगा. ओके. इसमें वाला पार्ट बता सकते हैं वापस.
तो देखो हम लोगों ने जो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर किए थे लास्ट क्लास में, उसमें देखो सेकेंड और थर्ड मेथड क्या था, ग्राफिकल मेथड या इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। उसमें हम क्या कर रहे थे, एक रिएक्शन में अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट्स कर रहे थे, करेक्ट? यस सर, यस सर। फिफ्थ मेथड जो था हाफ लाइफ मेथड या इनिशियल रेट मेथड, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग कंटेनर में करके इनिशियली कुछ मेजर कर रहे थे, करेक्ट? यस यस। ये दो तरीके इसीलिए करते हैं हम ताकि वी कैन फाइंड आउट कहीं कुछ सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स तो नहीं चल रही है, ओके? अगर सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं होती, मतलब अगर तुम बी को ए के कंपेरेबल लेते, बी को बहुत ज्यादा ना लेते, तो क्या होता, चाहे तुम हॉरिजॉन्टल कंपेयर करते चाहे वर्टिकल, दोनों ओर से थर्ड ऑर्डर आता है, करेक्ट? सर हाँ सर, मतलब जो सेकंड वाला है x plus y वाला केस सर, उसमें हम वर्टिकल कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें मतलब 10 और 20 के बीच से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए वो कंपेरेबल है, इसलिए आप दोनों का ले रहे हो क्या x plus y? सारी मोलैरिटी डबल की है भाई। हाँ, b का ऑर्डर फर्स्ट वाले कंपैरिजन में क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि b बहुत ज्यादा है। हाँ सर, वो कांस्टेंट और वो k में चला गया है, करेक्ट? हाँ सर। लेकिन फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में अगर तुमने बी को भी डबल किया है, मतलब के भी अब डबल हो गया ना। हाँ राइट, यस सर, करेक्ट। तो वो फर्क करेगा, दो एक्सपेरिमेंट्स में सारे रिएक्टेंट्स इफेक्ट करेंगे ऑर्डर को। ओके सर, तो सबसे मतलब वो डबल हो रहा है इसलिए दोनों ही, मतलब ए और बी दोनों का ही हम लेंगे क्या? हाँ। ओके सर, आपने जेड कैसे निकाला, आप बता सकते हैं? भाई प्रोग्रेसिंग रिएक्शन में तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट ही दिखेगा ना सर। मुझे थोड़ा सर मतलब नहीं समझा, प्रोग्रेसिंग रिएक्शन मतलब? रिएक्शन चल रही है। हाँ सर, और मैं अलग अलग टाइम पे कुछ मेजर कर रहा हूँ एक रिएक्शन में, तो उसमें तो सेकंड ऑर्डर ही दिखेगा मुझे, क्योंकि बी का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है इसलिए। हाँ, बी बहुत अच्छा है। ओके सर, रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यस सर, अंडरस्टूड। सर एक मिनट, वो क्वेश्चन वाला स्लाइड बता सकते हो सर? एक मिनट। डन सर, थैंक यू। सर कैन यू प्लीज शो द लास्ट पेज वंस? Thank you, sir. ओके। अच्छा, बुकलेट में कल होमवर्क कहाँ तक का दिया था? 1 to 40 सर, FBO 1 to 40
और FBS 1 to 35 या 40 था? 35 नहीं सर, एक्सपर्टीज का नहीं दिया। एक्सपर्टीज हम लोगों ने नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं सर। एक मिनट रुको, फिर एक्सपर्टीज के 2-3 प्रॉब्लम्स कर लें फिर आगे चलेंगे। सर बोलो। तो प्रीवियस क्वेश्चन में x plus y की जो वैल्यू है वो ओवरऑल ऑर्डर है क्या? ये ओवरऑल ऑर्डर 2 है बेटा वो। अच्छा ओके सर, फिर x plus y को ऐसा कोई नाम नहीं रहता ना? नहीं दे सकते हो। ओके सर। चलो 3 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं एक्सपर्टीज के। प्रॉब्लम्स 2, 3 and 4 एडवांस लेवल सब्जेक्टिव। ये 3 प्रॉब्लम्स करो।
हो गया कंप्लीट? यस यस सर, यस सर। तीनों की कोई डाउट है? थर्ड का ये था, कोई डाउट नहीं। तो फोर्थ वाला, फोर्थ में डाउट सर, फोर्थ वाला। चलो सर, फोर और टू का ग्राफ एक बार दिखा देना, वो पीछे आंसर में नहीं दिया है। फोर्थ में दिया है ए प्लस बी गोज टू सी, ठीक है। एट एंड ऑफ वन आवर 75% रिएक्टेड, टू आवर्स के बाद कितना ए बचेगा? फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो फोर्थ का ए तो बिल्कुल डायरेक्ट लिख लो, 1 आवर में 75% रिएक्ट हो रहा है, मतलब हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स, ठीक है। तो 2 आवर्स में 4 हाफ लाइफ होंगी, तो कितना ये बचेगा? ए लेफ्ट एट एंड ऑफ 2 आवर्स विल बी सी नॉट अपॉन 2 raised to 4 एट इक्वल टू 2 आवर, सही है? ओके, यस सर। फर्स्ट ऑर्डर में तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। पार्ट बी में क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ ए एंड बी और इक्वल कंसंट्रेशन है, तो सीधे ए गोइंग टू प्रोडक्ट्स वाला सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन लगा देते हैं। करेक्ट, तो पहले के निकाल लो, 1/t 75% रिएक्ट हो गया है, तो बचा 25% है, तो के आ गया 3/c0। अब 2 आवर्स पे लगाते हैं, 3/c0 इंटू 2 is 1/a -1/c0, तो ए की वैल्यू आ गई 0/7, ठीक है। यस सर। और पार्ट सी तो 0 ऑर्डर दिया है, अगर 0 ऑर्डर में तो तुम्हें मालूम है रेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर 1 आवर में 75% रिएक्ट हो रहा है, तो 80 मिनट्स में तो ये रिएक्शन खत्म ही हो जाएगा, तो आफ्टर 2 आवर्स कितना बचेगा? 0%, ठीक है। क्लियर सर? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द पार्ट ए अगेन सर, वो रिपीट करो ना प्लीज एक बार। पार्ट ए में यार 75% सी नॉट से सी नॉट बाय 2 किसी टाइम t1 में हुआ, और फिर c0/4 भी उसी टाइम t1 में होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइफ ये तुम्हें 1 घंटा दिया है, मतलब 30 मिनट्स इज हाफ लाइफ, तो अगले 30 मिनट्स में ये c0/8 होगा, और उसके अगले 30 मिनट्स में c0/16, तो 2 आवर्स के बाद कितना बचेगा? c0/16 वही किया है, तो c0 से c0/2 t1 रहेगा, तो c0 upon 2 से c0/4 से t1 ही क्यों रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक था ये, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। हाँ सर, ठीक है। यस सर, सर वो सी वाला वापस रिपीट करो ना। सी वाला 0 ऑर्डर की इक्वेशन क्या है बताओ? c0 - c1 upon 2 के निकालो,
ये आ गया 3C0/4, ठीक है। यस सर। अब 2 आवर्स के लिए इसको फिर से लगाओ। ओके सर। हाँ कितना बचा ए? ए नेगेटिव में आ रहा है। हाँ हाँ सर। अच्छा ठीक है, समझ गया। पहले ही रिएक्शन खत्म हो चुका है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। सर हम ए वाला पार्ट इक्वेशन से करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। इक्वेशन से करना है? हाँ सर, ये समझ गया, पर मैं इक्वेशन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा था इसलिए। के निकालो 1/1 ln C0/C0/4, तो के आ गया ln 4। अब 2 आवर्स के लिए रखो। ln 4 × 2 = ln C0/8, तो ln 16 = ln C0/8। ln कैंसिल हो गया, a कम्स आउट टू बी C0/16, ठीक है। हाँ ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। प्रीवियस पेज। अब वो ए का क्या करें? कौन से ए का क्या करा? तो जो मतलब साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है ना, वो जब कुछ दिया होता है तो 1 लेते हैं ना। हाँ, ये साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। मैं तुम्हें रिएक्शन दिया, ए प्लस बी गोज टू सी, ए का क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1 ओके। नाउ इफ यू सी द रेट लॉज ऑफ आर 3 कॉमन ऑर्डर्स, 0 फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या रेट लॉस? सही है। करेक्ट। यस। दैट्स व्हाट इट इज। और इन तीनों इक्वेशंस में हमें अगर कुछ कैलकुलेशन करनी है तो क्या क्या चाहिए? हमें कंसंट्रेशंस की मेजरमेंट चाहिए, करेक्ट? यस और नो? यस सर। लेकिन हम प्रैक्टिकली ना हर बार हम लोग के लिए कंसंट्रेशन मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सपोज एक गैस फेस रिएक्शन चल रहा है एक कंटेनर में, मान लो ऐसा रिएक्शन है, ए गैस गोज टू बी गैस। अब ये रिएक्शन इस कंटेनर में चल रहा है, अब क्या मैं अलग अलग टाइम पे ए की कंसंट्रेशन मेजर कर पाऊंगा? बताओ, कैन वी मेजर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट वेरियस टाइम? पे फार्जिन में जो कर सकते हैं
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैसेस हैं, गैसेस का रिएक्शन है तो क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर। और क्लोज कंटेनर वाला रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें हम अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए कंटेनर खोलना पड़ेगा, कंटेनर खोलेंगे तो गैसेस एस्केप कर जाएंगी, करेक्ट? यस सर। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस इन एवरी रिएक्शन टू मेजर कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन में हम क्या मेजर कर सकते हैं? क्या पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर कैसे मेजर करोगे? तो कुछ से एक डिवाइस लगा के वो कंटेनर तो टोटल प्रेशर मिलेगा, पार्शियल कैसे मिलेगा? फ्रैक्शन क्या? तो हम लोग सिर्फ टोटल प्रेशर मेजर कर सकते हैं। फिर हाँ, मैनिपुलेट करके हम लोग उस टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोइकोमेट्री से, लेकिन हम प्रैक्टिकली मेजर केवल टोटल प्रेशर कर पाएंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। सर वो क्लोज्ड कंटेनर में सर वो क्यों नहीं होगा, मतलब वो मेजर क्यों नहीं कर सकते आपने, वो क्या बोला है? कंटेनर खोलना पड़ेगा ना, ये भाई कितना ए है ये निकालने के लिए कंटेनर के अंदर कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसका सैंपल निकाल के। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो एस्केप कर देगा फिर, राइट? थैंक यू। तो सपोज एक गैस फेस रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या मेजर कर पाएंगे? ये मेजर कर पाएंगे। और हमें इन इक्वेशंस के लिए क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन। हमें चाहिए मोलारिटी ऑफ के, केवल रिएक्टेंट की मोलारिटी, ठीक है? तो अब ये जो टोटल प्रेशर मेजर किया, इसको हम किसी तरह स्टोइकोमेट्री से इससे ए का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, करेक्ट? यस। और फिर ए के पार्शियल प्रेशर से हम ए की मोलारिटी निकालेंगे। हम लोग फिर पार्शियल प्रेशर और मोलारिटी में कोई रिलेशन ढूंढ के ए के पार्शियल प्रेशर से ए की मोलारिटी निकालेंगे, करेक्ट? ठीक है। हाँ सर। और इसमें रखेंगे तो इसी में पहले एक दो और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई रिएक्शन है तो हम क्या मेजर कर पाएंगे? तो इसमें हम लोग सबसे इजीली ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, करेक्ट? यस। एसिड बेसिस का रिएक्शन है ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड या बेसिस इन्वॉल्व है, तो हम इनका सैंपल निकाल के उनको किसी और चीज से टाइट्रेट करेंगे, करेक्ट? टाइट्रेशन से मोलारिटी पता लगती है ना यार। yes. तो टाइट्रेशन से हम एक्चुअली मेजर क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और उससे किसी तरह मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट? यस। एक हो सकता है लिक्विड्स का रिएक्शन जिसमें एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्शन ऑफ लिक्विड्स प्रोड्यूसिंग अ गैस, तो इसमें हम गैस को एक फिक्स्ड प्रेशर पे कलेक्ट करके वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेंगे,
उससे हमें गैस के मोल्स या मोलारिटी मिल जाएगी, करेक्ट? ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शंस में हमारी मेजरमेंट टेक्निक्स अलग अलग होंगी, डिपेंडिंग क्या चीज हम सबसे इजीली मेजर कर सकते हैं उस रिएक्शन में, ओके? और फिर हम उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक ये रिएक्शन है हमारे पास, 2A गैस गोज टू B गैस प्लस 3C गैस, ठीक है? और इसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं बताओ? टोटल प्रेशर। तो T इक्वल टू जीरो पे हमने टोटल प्रेशर मेजर किया, मिला P नॉट, ओके? फिर किसी टाइम T इक्वल टू T पे मेजर किया, प्रेशर मिला P1, T इक्वल टू इंफिनिटी पे मेजर किया, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद प्रेशर मिला P2। अब इनसे हम लोग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर से किसी तरह पार्शियल प्रेशर निकालना है, करेक्ट? यस सर। तो लेट से ए के मोल्स लेके शुरू किए थे, किसी टाइम टी के बाद कितने होंगे, सही है? यस सर। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, सही है? यस सर। अब इनकी प्रेशर में कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग, यस सर। कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, ओके? तो हम पहली इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एन नॉट इंटू आर टी बाय वी इज पी नॉट, यस सर। दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं एन नॉट प्लस टू एक्स इज इक्वल टू, या टी इक्वल टू इंफिनिटी वाला डाटा ना भी हो तो चलता है, इतने सही काम हो जाएगा, इंटू आर टी बाय वी इज इक्वल टू पी वन, सही है? यस सर। अब यहां से एन नॉट और एक्स को मैं पी नॉट और पी वन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। उसके बाद मैं मोलारिटी निकाल सकता हूं ए की किसी भी टाइम पे इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी वन, यस सर। भाई सी नॉट क्या है, ए की इनिशियल मोलारिटी क्या होगी, एन नॉट अपॉन वी विच आई कैन सी इज पी नॉट अपॉन आर टी, सही है? Yes. और ए की किसी भी टाइम टी पे मोलारिटी क्या होगी, एन नॉट माइनस टू एक्स बाय वी, सही है? और यहां से एक्स कितना आ रहा है, पी वन वी बाय आर टी माइनस एन नॉट अपॉन टू, सही है? यस सर। ठीक है ना? हाँ। तो अब एन नॉट माइनस टू एक्स बाय वी कितना हो जाएगा, एन नॉट यहां से क्या है, पी नॉट वी बाय आर टी,
माइनस टू एक्स हो गया पी वन वी बाय आर टी माइनस माइनस प्लस एन नॉट फिर से पी नॉट वी बाय होल अपॉन वी तो कितना मिल गया पी वन बाय आर टी टू पी नॉट माइनस पी वन बाय आर टी करेक्ट ठीक है यस हाँ यस सर आप वो सर एन नॉट प्लस टू एक्स वाला बता सकते हो क्या वो कैसा है ओके सर और सर वो सर एक और एक लास्ट डाउट था सर वो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपने वो एन नॉट बाई टू और थ्री एन नॉट बाई टू वो कैसे किया एक बार बता सकते हो एक मोल बनता है हाँ ओके उसके नॉट मोल रिएक्ट होंगे तो उसके नॉट बाय टू बनेंगे ओके ओके सर गॉट इट थैंक यू करेक्ट तो अब हमने मोलारिटीज को जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी थी उसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया करेक्ट यस भाई पी नॉट पी वन तो हमने मेजर ही कर लिए है आर टी हमें मालूम होना चाहिए वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमारी मेजर चीज को मोलारिटी में बदलेगा करेक्ट ओके यस सर चलो आगे इसमें अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे विल स्टॉप हियर बाय एवरीबॉडी सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते Thank you, sir.